Assalamualaikum, मैं हूं आपका अपना astrologer सैयद मुसव्वर अली जंजानी और आप देख रहे हैं इदारा आईने किस्मत AQ वेब टीम चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 के एरिस से लेके पाइसिस तक के जॉडिक साइंस और इसमें हमारा टॉपिक है मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी, बिरून मुल्क सफ़र, कानूनी मुशावरत और आला तलीम। बैतुल सफ़र नसीब का हाकिम सितारा सादे अकबर सितारा मुश्तरी 12 साल के बाद अपने घर 2 दिसंबर तक बाकुवत रहते हुए आपका नसीब यावरी करवा देगा और आपकी किस्मत से बिला वजह शाकी, उदास और गमगीन हुमल अफराद जो हैं उनको नसीब यावरी करवाने की वजह से तमाम तर माजी की जो उनकी उदासियां हैं उसको ख़त्म कर देगा। 2019 का जो साल है ये आपके लिए रूहानी बरकतों का साल साबित होगा। मजबूत कुव्वत फैसले से आप अपने मुस्तकबिल को ना सिर्फ दरकशां बनाने के लिए हर मामले का रोशन पहलू से जायज़ा लेंगे, उसके अलावा मसाइल और परेशानियाँ जो हैं बआसानी हल कर सकेंगे। इसके अलावा कानूनी और पंचायती फतह जो है ये आपको हासिल होती हुई नज़र आएगी और स्पेशली ऐसे हमली अफराद जो कि आला तलीम के हसूल के लिए बिरून मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपना कोई बिरून मुल्क इमिग्रेशन के हवाले से मामला जो है वो अंजाम देना चाह रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा नेक रहेगा। बैतुल सफ़र और नसीब का मुश्तरका हाकिम सितारा जोहल 27 साल के बाद 17 दिसंबर 2020 तक अपने ही घर में ताकतवर रहते हुए दानशमंदाना तरीके से आपका नसीब यावरी करवाएगा और अपने आपके मनसब, आपकी इज्जत और तकीर में काफ़ी हद तक इजाफा करेगा। इसके अलावा इस अरसे में जो भी कोशिशें आप करेंगे अपने काम, करियर, कारोबार, अपनी तलीम, अपने नसीब को बेहतर करने के लिए आपकी जो मेहनत है उसका आपको दुगना तिगना चौगना फल जो है इंशाल्लाह मुमकिन तौर के ऊपर मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कारोबारी अगराज व मकासद के तहत मुतद्दद गैर मुल्की सफ़र जो हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में रहेंगे और स्पेशली ऐसे सॉरी अफराद जो कि दरीना ख्वाहिश रखते हैं हज और ज़ियारात के उम्रे के हवाले से, तो इस साल उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी। बैतुल सफ़र और बैतुल खौफ का मुश्तरका हाकिम सितारा जोहल तमाम साल 9वें से 12वें रहते हुए 2019 बिरून मुल्क सफ़र, तजारत, कारोबार, हज व ज़ियारात और उम्र जैसी ख्वाहिशात रखने वाले तमाम अफराद अपने हसूल मकासद के लिए मुस्तकिल मिजाजी से कारबंद रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर हो सकेंगे। इसके अलावा खसूसन कानूनी मामलात में मुशावरत और तवज्जो के तालब गैर मुस्तकिल मिजाज अफराद जो हैं उनको चाहिए कि इस साल मुस्तकिल मिजाज हो जाए, क्योंकि वो अफराद जो दूसरों से हमदर्दी लेना चाहते हैं, दूसरों का तावन लेना चाहते हैं, तो मुस्तकिल मिजाजी सबसे बड़ी चीज़ है कि मुस्तकिल मिजाज हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मुमकिन तौर के ऊपर 2019 में किए गए फैसले जो हैं उनकी आने वाली ज़िंदगी, उनके मुस्तकबिल जो है उसका एक दरख्शां बाब उनकी ज़िंदगी में लिख देगा। इसके अलावा कानूनी मामला जो हैं उनको नज़रसानी की ज़रूरत है, दोबारा से नज़रसानी करें। इसके अलावा मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी और बिरून मुल्क सफ़र के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन या इमिग्रेशन वगैरह फ़ाइल अप करना चाह रहे हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा है। आप इस साल में अगर मुमकिन तौर के ऊपर ये चीज़ करें तो आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हद तक फेवरेबल रहेगी और जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से अवॉइड करें। बैतुल सफ़र का हाकिम सितारा मुश्तरी 2 सितंबर तक छठे और फिर साल भर के लिए 7वें आ जाएगा। इस वजह से बिरून मुल्क कारोबारी अगराज व मकासद के सिलसिले में किए गए सफ़र जो हैं वो आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित होंगे। खसूसन सितारा मुश्तरी 10 अप्रैल से 11 अगस्त जब रिजत में होगा तो ये वो टाइम फ्रेम होगा जिसमें आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी जो पूरा साल है ये आपके लिए काफ़ी हद तक बिला सोचे समझे फैसले करने का साल भी हो सकता है कि आप जो भी फैसला करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये जो रिजत का ज़माना है इसमें आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। इसके अलावा आपके कोई कानूनी मामलात हैं, कोई अदालती अमूर हैं, कोई पंचायती मामला चल रहे हैं, तमाम तर चीज़ें जो हैं आपके हक़ में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह
फेवरेबल रहेगी, लेकिन मुमकिन तौर के ऊपर आपको अपनी प्लानिंग जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि बशर्ते प्लानिंग आपकी अच्छी होगी तो आपका मुस्तकबिल जो है ये दरगशा होगा। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आला तलीम का हसूल, और अगर आप कोशिश करना चाह रहे हैं बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, और कोशिश करना चाह रहे हैं एब्रॉड ट्रैवलिंग स्पेशली अपनी स्टडी के हवाले से, तो इस साल के स्पेशली जो दूसरा हिस्सा है वो आपके लिए काफ़ी हद तक नेक रहेगा। बिरोने मुल्क सफ़र का हाकिम सितारा मरीख 14 फरवरी तक अपने ही घर में अरूज याफ्ता होने से 2019 बिरोने मुल्क आला तलीम, इसके अलावा कारोबार, तफरी, सफ़र के अलावा खसूसन हज ज़ियारत और उम्र के अलावा मुकद्दस ज़ियारत का जो सफ़र है ये भी आपके प्रोग्रामों में नहायत आपके लिए साद अकबर इंशाल्लाह साबित होगा, और रूहानी बरकतें जो हैं आपकी ज़िंदगी में शामिल होती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा मरीख मुशरी की जो 7 नजरात हैं 23, 24, 25, 26, 27 जनवरी होने से आपका नसीब जो है यावरी कर जाएगा, और ज़िंदगी के किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक क्यों ना हो और जो भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में क्यों ही ना हो, वो तमाम तर मुश्किलात परेशानियां जो हैं आपकी इंशाल्लाह मुमकिन तौर के पर हल हो सकेंगी, जिसकी वजह से आप में खुद इत्मादी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप मुमकिन तौर के ऊपर अपना तलीमी मैदान में भी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे, और ओवरऑल भी आप रूहानी तौर के ऊपर भी काफ़ी हद तक फवाइद का हसूल हासिल करेंगे। बैतुल सफ़र या नसीब का हाकिम सितारा जोहरा 12 मनकतुल बरूज में सारा साल गर्दिश करते हुए तमाम साल मुस्तकीम रहते हुए सुमली अफराद को 27 मार्च था 20 अप्रैल और इसके अलावा 15 मई था 3 जुलाई और 14 सितंबर था 8 अक्टूबर शर्फ अरूज और औज की अच्छी पोजीशन में रहते हुए तमाम साल जो है आपको भरपूर फवायद जो है दिलाता रहेगा। इसके अलावा आला तलीम के हसूल के शायकीन तलबा अपने मकासद को पालें, जोरा के साथ मुश्तरी की सादत मिलने की वजह से कानूनी मसाइल परेशानियां और स्पेशली आपके जो लिटिगेशंस पंचायती मसले और ओवरऑल आपके जो स्पेशली अपनी स्टडी करियर को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही हैं, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह इस साल आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नौवें बारहवें का मुश्तरका हाकिम सितारा अतारद 21 मई था 5 जून 29 अगस्त था 3 अक्टूबर शर्फ और औज में रहते हुए बिरूने मुल्क हज और ज़ियारत की ख्वाहिश रखने वाले मैज़ानी अफराद की ख्वाहिश पूरी कर सके। इसके अलावा ऐसे मैज़ानी तलबा और तालबात जो आला तलीम के हसूल के लिए बिरूने मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि ये जो डेट्स मैं इनको बताने जा रहा हूँ इन डेट्स में कोशिश करें तो आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो जाएगी। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 फरवरी इसके अलावा 24, 25 जुलाई 11, 12, 13, 14, 15 सितंबर और 30, 31 अक्टूबर ये वो अच्छी और 7 तारीख हैं जिनमें आप कोशिश करें तो मुमकिन तौर के ऊपर आपका वीज़ा जो है लग जाएगा। बैतुल सफ़र के घर अहम सितारा राहु अपने नज़रियात और ख्यालात दौरान सफ़र या मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते वक्त दूसरों पर मसल्लत नहीं करें। लंबे सफ़र में यूं तो आप एहतियात करें लेकिन अपने राज जो हैं दौरान सफ़र किसी भी दूसरे फर्द तक शेयर नहीं करें। अपनी प्लानिंग, अपनी ख्वाहिशात फौरी तौर के ऊपर दूसरों के ऊपर अयां नहीं करें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स, हासद, जेलसी और खामखा मामलात में मिस लीड या मिस गाइडेंस जो है वो मिल सकती है, जिसकी वजह से कोशिश करें कि अपने ख्यालात, अपनी सोच अपनी ज़ात तक महदूद रखें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ शेयर करें तो अपने सिर्फ और सिर्फ मुखलिस अहबाब या अपने बुजुर्गों के साथ ही उसको शेयर करें। इसके अलावा सफ़ेद अशिया का सदका जो है इस साल देना आपके लिए बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी है ताकि आपकी जो दरपेश प्रॉब्लम्स, मुश्किलात हैं उनका इजाला हो सके। बैतुल सफ़र का हाकिम सितारा शम्स यूं तो साल में अमूमन हर साल 21 मार्च तक 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से फिर आगे 21 मई और फिर उससे आगे 23 अगस्त तक औज अरूज याफ्ता होने से आपका नसीब सवार देगा। खसूसन आपका जाती सितारा साद अकबर सितारा मुशरी 2 सितंबर तक अपनी साद किरणों के सबब नौवें घर को नाजिर रहेगा। इस दौरान आप अपने मुस्तकबिल को दरख्शा बनाने के लिए जो भी मुस्बत इकदाम करेंगे या जो भी प्लानिंग करेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे, उसके समरात इंशाल्लाह पालेंगे। आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना हो, आप अपने मुस्बत इरादों में कामयाब हो सकेंगे और आपका नसीब यावरी कर जाएगा। ख्वाहा तलबा जो कि बाहर जाना चाह रहे हैं, एब्रॉड जाना चाह रहे हैं अपनी तलीम के हसूल के लिए, तो बाआसानी आप जा सकेंगे और मुमकिन है कि उन्हें कोई अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाए।
نویں گھر کا حاکم اتارت ہمراہ مشری سال کی ابتدا میں بارہویں ہونے سے ایک اچھا شگون یا اچھا یوگ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو بہن بھائی بیرون ملک حصول روزگار، کاروبار یا پھر امیگریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو 4 دسمبر تک سعادت مشری کے سبب ان کے لیے اپنے ضروری کاغذات جو ہیں ان کی تکمیل بہت زیادہ ضروری رہے گی، کیونکہ بیرون ملک قیام کے نیک وسائل جو آپ کو بتدریج بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی معاملات، ریاضت و چلہ کشی یا اپنی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یا آپ کے والد کے ساتھ جو مراسم ہیں اور ان کی شفقت جو ہے آپ کے سر کے اوپر انشاءاللہ ہمیشہ سے رہتی ہوئی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے اوورال آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے کافی حد تک انشاءاللہ نکھار کی طرف بڑھے گی۔ بیت السفر کا حاکم ستارہ زہرہ ابتدائی سال میں ہی وبال یافتہ کمردار اقرب کے ساتھ ہونے سے اپنے نصیب کو نیک بنانے کے لیے ابتدائی سال سے ہی صدقہ خیرات جو ہیں ضرور کریں۔ اگر آپ ابتدائی سال میں یہ میرا پروگرام نہ دیکھ سکے تو جب بھی میرا یہ پروگرام آپ دیکھیں تبھی سے آپ صدقہ خیرات جو ہیں شروع کر دیں، تاکہ آپ کی جو پرابلمز اور مسئلے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ جاری ساٹھ ستی کے سبب حصول امیگریشن میں پرابلمز، آپ کی تعلیمی کیریئر میں پرابلمز، آپ کے قانونی معاملات میں الجھنے پریشانیاں جو ہیں، اس حوالے سے کوشش کریں کہ آپ جو لیگل لٹیگیشن کے حوالے سے جو لائرز ہیں یا آپ کے امیگریشن کے حوالے سے جو کنسلٹ پرسنس ہیں، آپ کے کنسلٹنٹس ہیں، ان سے معاملات جو ہیں اوپنلی ڈسکس کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے پرابلمز اور معاملات جو ہیں بہتر طور کے اوپر حل ہو سکیں۔ بیت السفر یا نصیب کا حاکم مریخ، ابتدائی سال میں 14 فروری تک عروج یافتہ آئے ہوئے مریخ مشری 23, 23, 24, 25, 26, 27 جنوری بنے گی۔ ابتدائی سال میں ہی آپ کا اپنا مقدر جو ہے سوار نے مستقبل کو درخشا بنانے کے کئی ایک متعدد مواقع انشاءاللہ آپ کو مل پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے تمام بہن بھائی جو کہ حج و زیارات یا عمرے کی نیت سے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ممکنہ طور کے اوپر اپنی اس خواہش کی تکمیل جو ہے اس سال میں ضرور پالیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جو اپنی پرابلمز یا شمسی ساٹھ ستی کے زیر عطاب ہیں، ان تمام افراد کو چاہیے کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ ضرور دینا شروع کریں، اور بالخصوص جو ہے قصص القرآن جیسے حضرت یوسف نے اپنی قوم کو خوشحالی کے بعد قحط سالی سے نکالا تھا، تو اسی حوالے سے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی پلاننگ جو ہے آنے والے سالوں کی ضرور ترتیب دیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام، امید ہے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام سے اپنے 2019 کی بہتر منصوبہ بندی کرنے کے لیے چند ایک پوائنٹس ضرور نوٹ کیے ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے 2019 کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔